देखिए अभी राजस्थान में हीट वेव जो वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है कि अनदर 3 4 दिन और चलेगी, और इस समय जो इंटेंस हीट वेव चल रहा है उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है और सीवियरिटी भी ज़्यादा है। तो कुछ केसेस डेफिनेटली हीट स्ट्रोक के SMS में एडमिट हुए हैं। SMS में पूरा हॉस्पिटल में व्यवस्था की गई है, एक सेपरेट ICU है जो सीरियस पेशेंट्स के लिए, और एक वार्ड भी चिन्हित किया गया जो कि स्टेबल पेशेंट्स को हम रख सकते हैं। ये जो पेशेंट जो आ रहे हैं इमरजेंसी में, राइट फ्रॉम द इमरजेंसी उनको प्रायोरिटी से देखा जा रहा है और प्रॉपर तरीके से इनको एसेस करके रेस्पेक्टिव यूनिट्स में या वार्ड या ICU में इनको भेज के उनकी केयर की जा रही है। बचाव बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रिवेंशन है। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे लोग हैं ये प्रेफरेबली धूप के टाइम 10 बजे से शाम को 4 बजे के बीच में नहीं जाएं। स्पेशली जो एल्डरली पॉपुलेशन है, बुजुर्ग लोग हैं जिनको विभिन्न बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या ब्रेन की बीमारी है, जो लोगों जिनको जाना है, जाना पड़ता है काम के लिए, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपरली अपने आप को हाइड्रेट करें। पानी, नींबू, शिकंजी, छाछ, जो भी अच्छा तरल पदार्थ लेके जाए। अब जब बाहर निकलते हैं वो ध्यान रखें कि जहाँ सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं हो तो वो अम्ब्रेला यूज करें। जो गाड़ी में जा रहे हैं जिसमें AC, ध्यान रखें गाड़ी अगर धूप में पड़ी बहुत टाइम से तो दरवाजे खोल के AC ऑन करके 5 मिनट तक गाड़ी का जो टेम्परेचर जो अंदर होता है उसके कारण भी आपको हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो गाड़ी चला रहे हैं दरवाजे खोल के AC ऑन करके 5 मिनट बाद बैठे, उससे क्या है कि हीट स्ट्रोक के जो सिम्टम्स, गाड़ी में जो अंदर इंटरनल एटमोसफेयर जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ध्यान रखें आप कहीं भी जा रहे हैं पॉसिबली है कि कूल एरियाज में बैठें, लिक्विड्स लेते रहें बराबर, और कोई अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं कि कमजोरी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी उबाक आ रही है या क्रैम्प्स आ रहे हैं, तुरंत आप कहीं कूल एरिया में जाइए, पास में हॉस्पिटल या डॉक्टर से संपर्क करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए ये जब एक्सट्रीम डिग्री ऑफ हीट एक्सपोजर होता है जिसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं उसके अंदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि वेस्टर्न लिटरेचर, क्योंकि हीट स्ट्रोक पूरे वर्ल्ड में हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हर जगह हो रही है, आप यूरोप में, अमेरिका में भी हीट स्ट्रोक हो रहे हैं, और पिछले अगर आप देखें 20 साल के अंदर जो वर्ल्ड लिटरेचर कहता है कि 55% डेथ रेट पूरे वर्ल्ड में बढ़ गई हीट स्ट्रोक में। तो डेवलप कंट्रीज जैसे अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ पे भी हीट स्ट्रोक से डेथ हो रही है। तो करीब वो 60-65% डेथ रेट रिकॉर्ड की गई है, 11% से 66%। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। पेशेंट जब हीट स्ट्रोक में आता है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता है, तो ये बहुत जरूरी है कि प्रेस में, मीडिया आपके द्वारा, अखबारों में और हर जगह बोर्ड्स बन लगने चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए कि आप कैसे इन जो पब्लिक है उसको तो कैसे बचा रखें। फॉर एग्जाम्पल जो एग्रीकल्चर फार्म में काम कर रहे हैं उसको आप करिए कि दोपहर में काम नहीं कर रहे, या जो सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो आप दोपहर की जगह इनकी वर्कशिफ्ट करना मॉर्निंग में कर दीजिए, सुबह 5 बजे से 6 बजे ऑनवर्ड 11 बजे तक कर लें या शाम को कर लें। तो जो डायरेक्ट सन एक्सपोजर है स्पेशली जब एग्जर्शन करते हैं, काम करते हैं, उसमें चांसेस है कि हीट सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा।